पर इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज प्रेस सब्सक्राइब का बटन है नीचे, उसे प्रेस करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू। वसीम खान है, मैं एक स्पेशल डिज़ाइनर हूँ। बेसिकली मैं डिज़ाइन और स्पेस को साथ में मर्ज करता हूँ। आई हैव कम हियर टू INFD चंडीगढ़ टू टेक अ वर्कशॉप, अ शॉर्ट वर्कशॉप फॉर 2 days। द बेसिक आइडिया ऑफ कमिंग हियर टू डू द वर्कशॉप इज़ टू ट्राई एंड शेयर माई एक्सपीरियंसिस ऑफ डूइंग डिज़ाइन एंड मेक श्योर दैट द किड्स अंडरस्टैंड व्हाट द इंडस्ट्री वर्क्स लाइक एंड हाउ टू डू डिज़ाइन। What we are working on in the 2 days that we're here is basically about expressing Indianness in terms of spaces. So, India ko ek space ke through kaise represent karenge? And so the mix of kids is from all different years, and we're trying to kind of generate ideas as to how we can express Indianness through space. Sir, but you've showcased today, actually, we've all witnessed that, actually. Hmm. Bahar inka hai. So, but are these dresses wearable outside also? नहीं नहीं, वो ड्रेस ये बनाती है, मैं इंटीरियर करता हूँ। हाँ, मैं इंटीरियर देखता हूँ, ये फैशन देखती है, तो मैं इंटीरियर के बारे में बात करूँगा। ये फैशन इंटीरियर में आजकल क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है, आपको कोई टिप देनी? बेसिकली मैं ट्रेंड्स फॉलो नहीं करता हूँ टेक्निकली, बट बिकॉज वी वर्क इन द इंडस्ट्री, बेसिकली वी वर्क इन द इंडस्ट्री, सो हमको जो करंट टाइम्स है उसका इंफॉर्मेशन डायरेक्ट फर्स्ट हैंड मिलता है, ना कि ट्रेंड स्टडी करना पड़े, बट इट्स रेलेवेंट टू व्हाट इज टुडे एंड सो आर ट्रेंड्स। क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, इम्प्रॉम्प्ट। हाँ, तो इम्प्रॉम्प्ट भी है, बट अदर देन दैट अभी बहुत रेलेवेंस है आपका, जैसे सस्टेनेबिलिटी पे, या अभी बहुत सारा डैमेज हो रहा है, हम जो अर्थ को कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी डिज़ाइन करते हैं इकोनॉमिक, तो हम कैसे कॉन्शियसली डिज़ाइन करें ताकि जो मटेरियल हम यूज़ करें या जो हमारा इंटेंशन हो वो वेस्ट की तरफ ना जाए, बल्कि थोड़ा सस्टेनेबल हो, थोड़ा लॉन्ग टर्म हो, थोड़ा कल्चर से बेस्ड हो तुम्हारा। हम एंड पर्सनली मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा जितना भी काम हो उसमें इनहेरेंटली जो इंडियन वैल्यूज़ हैं वो इंटीग्रेट हो जाएं,
तो हमारी जो पुरानी वैल्यूज़ हैं कि हम मजबूत चीज़ें बनाते थे, बहुत अच्छे क्राफ्ट से चीज़ें बनाते थे, बहुत सारा फंक्शनैलिटी बहुत अच्छा होता था उसका, तो जो बेसिक इंडियन वैल्यूज़ हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि अपने डिज़ाइन में, चाहे आज करूँ या कल करूँ या परसों करूँ, उस टाइम के हिसाब से जो हमारे वैल्यूज़ हैं वो अपने डिज़ाइन में इंटीग्रेट करें, ताकि हमारे लिए वो रेलेवेंट रहे, ना कि हम वेस्ट को कॉपी करते रहें हमेशा। माय नेम इज़ करिश्मा शाहानी खान एंड आई हैव अ लेबल कॉल्ड काशा। आई वर्क विद क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल्स एंड आई एम बेस्ड इन पुणे। वी आर हियर टुडे एट INIFT टू टेक अ वर्कशॉप विद द फैशन डिज़ाइन स्टूडेंट्स, एंड द आइडिया ऑफ द वर्कशॉप इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस देम टू वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट डिज़ाइन इन अ मोर होलिस्टिक मैनर। I myself work with a lot of ideas of sustainability and craft, and I'm just here to share my experiences. क्यों ट्रेंड नहीं बनाते? मिलता है, मिलता है। मैं बोलूँ? Okay. तो आपने, okay, sorry. मेरी हिंदी बहुत बकवास है, हाँ? Okay. So हाँ. The kind of clothes that we make are about slow fashion. We're trying to make clothing that's that are made out of really good textiles that long last for a very long time. And that can be worn. They are very functional, very comfortable. I always wear the clothes that I make. And what you saw on the runway also was not some, unrealistic approach to wearing clothes. It was very real and it's quite normal. Like, it's just different kinds of layers, the way we've styled it. So I think the styling makes a big difference. So when a person just wants to wear it for a regular day, it's still very possible to wear if you just wear the tunic or the dress separately. So it's not so intimidating, it's just that as designers, our job is that when it comes in the runway, we need to make it styled to the way we would like to see it worn. But eventually when the customer buys it, they need to make it their own and wear it how they like to. We do follow certain fashion shows and from overseas as well, Milan and we do see that on YouTube also somehow, it's not in person. Yeah. So therein, they showcase something very which is not even wearable. Right. Some kind of concept. I think, like I said, a runway show is supposed to be primarily for a designer to showcase their idea, right? It may be wearable, may not be wearable, but trust me, you'll find a buyer for everything. The world is so big and people are so diverse that you'll always find someone who's going to buy and understand your design. जो सिर पे कई बार उन्होंने इतना गोल सा एक लगाया होता है, सपोज करते हैं एक्सेसरी है जो कि बड़ी वेग सी लगती है, वो कहीं एक्सेसराइजेशन It's just to make your show more dramatic. It's to have the present, to show your ideas. Everything may not be like what you're talking about. Every single product may not be sellable, but then again, you never know. This world is crazy. You'll still find one person who will buy that amazingly weird headgear and maybe use it for the life that they belong to. Why walk by the roads of New York? It's anything is possible. Anything, you just don't know. कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आपको अपना आइडियाज एक्सप्रेस करना है, तो वो जो रैंप पे गारमेंट आता है उसमें पार्ट विल बी वेरिएबल, पार्ट विल बी टू एक्सप्रेस हाउ फार आई कैन थिंक। तो चक्कर क्या होता है, सभी गाड़ी बनाते हैं लोग, राइट? तो जो कॉन्सेप्ट कार्स बनती है ना, वो प्रोडक्शन में आती हैं, बट वो कट डाउन होके आती हैं। तो उसमें अगर आपको 2000 CC की गाड़ी मिलेगी, तो प्रोडक्शन में आते आते वो 300 की हो जाती है, क्योंकि प्रोडक्शन लेवल पे आपका कॉस्ट फैक्टर मैटर करता है, सेफ्टी मैटर करता है। तो कॉन्सेप्ट लेवल पे आप अगर वो नहीं बनाएंगे ना, तो आपको 300 वाली भी नहीं मिलेगी। इनोवेशन कैसे आएगा, इन्वेंशन कैसे उस लेवल पे करेंगे, तो इस लेवल तक हमको मिलेगा कॉमन मैन को। अगर हम यहाँ चालू करेंगे तो फिर यहाँ मिलेगा कॉमन मैन को, वो जरूरी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। अब शानी आपसे और खान साहब से जो डिजाइनर्स हैं, कुछ टिप्स लेना चाह रहे हैं, वो आपको कहाँ फॉलो करें, कहाँ कॉन्टेक्ट करें? ओके, हमारा, हम सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव है दोनों, वो थोड़े कम है थोड़ा ज़्यादा। आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हो, हमारा लेबल है इंस्टाग्राम पर, और हम पर्सनली, हमारे पर्सनल अकाउंट्स भी है। तो हमारा लेबल है काशा, सो डिफिकल्ट, KA_SHA_India, लंबा है। और मेरा पर्सनल करिश्मा शाहानी खान, और इनका खुद से मांगो, मेरा भी सेम इंस्टाग्राम पे है हैंडल, विच इज़ वसीम WASIM.KAHN। तो खान को थोड़ा ट्विस्ट कर दिया मैंने, क्योंकि तो आप इंस्टा को पर्सनली रिप्लाई करते हैं? हाँ, वहाँ पर मैसेज आता है तो रिप्लाई करते हैं, बाकी जिनको फेसबुक भी है, लेकिन हमारा वेबसाइट है और हमारा पर्सन हुआ है, तो लोग ढूंढ लेते हैं, जिसको ढूंढना होता है वो ढूंढ लेते हैं। ओके, सो माई नेम इज़ रिया मल्होत्रा एंड I am a student of INIFD, and this is my diploma course, first year, and my experience with this fashion show was amazing.
The garments are amazing. The work is amazing. The detailing and Karishma, she's again a lovely person. So everybody loves the collection, and I got many compliments after I got down after the stage. So everybody really loved the collection and the material. You're a designer yourself, or you're a? I am a student, aspiring designer. Yeah. So, I mean, I yet have to go into designing. I'm studying and I'm gaining some experience from teachers over here. Right. So what? Did you find it suitable that what you're wearing today? Is it wearable outside somehow, someday? Yeah, it's really wearable because you see the colors are really light and pastels. Like, they can be worn anywhere, like even to a small event, or you can pair it with accessories, with heels, and you can wear it to a good event also with heavy jewelry. So yeah, basically it covers everything. Okay. Thank you so much.